बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस लेसन वी ट्राइड टू गो थ्रू एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थ्रू एक्टिविटीज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सब टॉपिक ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस व्हिच इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ अस एट पेज 73 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एट पेज 73, एंड द टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन डेली लाइफ। ओके जी, आज हम ये देखेंगे कि डेली लाइफ में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी, तो आज के हमारे इस टॉपिक के जो की टर्म्स हैं वो ये हैं, राइट हियर इन फ्रंट ऑफ अस, एक्सटेंसिवली यूज्ड थर्मल पावर स्टेशंस, इग्निशन ऑफ डायनामाइट, गन पाउडर, एक्सप्लोजन, ब्लास्टिंग इन मीनिंग। ओके जी, दीज आर द की टर्म्स ऑफ आवर टूडेज लेसन। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक एंड लेट्स हैव सम नॉलेज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ, दैट हाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्पजेज वी फुलफिल बाय द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके जी, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। लेट्स सी, दे आर एक्सटेंसिवली यूज टू फुलफिल आवर नीड्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर वेरियस पर्पजेस। द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल एट आवर होम्स इज यूज फॉर कुकिंग फूड एंड टू वार्म आवर रूम्स। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि दे आर एक्सटेंसिवली यूज, इसको हम जरा डिस्कस कर लें। एक्सटेंसिवली यूज का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना, वसी पैमाने पर। एक्सटेंसिवली कहते हैं वसी पैमाने पर, बहुत ज्यादा। ठीक है, हमारी जरूरियात ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, यानी हमारी हीट एनर्जी की जो जरूरियात है उनको पूरा करने के लिए क्या है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो बड़े वसी पैमाने पे हमारी मदद करते हैं। ठीक है जी, द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग। अच्छा, अब ये पहला हम ये पॉइंट है जो हम देखने जा रहे हैं, जो अभी अभी हमने पढ़ भी लिया कि हीट जो रिलीज होती है बर्निंग के दौरान ऑफ फ्यूल, ठीक है जी, एट आवर होम्स, यानी हम डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स यूज करते हैं घरों पे, तो वो कहाँ कहाँ हम हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, उस हीट को जो रिलीज होती है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग फूड, फॉर कुकिंग फूड एंड टू वार्म आवर रूम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इससे रिलेटेड हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, अभी हम इसको निशान भी लगाएंगे, इस पॉइंट पे हम निशान लगाएंगे, इसकी हम एक इंशाल्लाह हेडिंग बनाएंगे। ये अभी पहले हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लें कि कहाँ कहाँ हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हैं वो हमें मदद कर रहे हैं और डेली लाइफ में हमें बड़ा फायदा दे रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल। अब पेट्रोल और डीजल जो है वो जब बर्न होते हैं इन द व्हीकल, इंजन इंक्रीजेज प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी वो जो गैसेस होते हैं उनका प्रेशर इंक्रीज होता है टू पुश एंड मूव द पिस्टन इन द सिलेंडर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, एप्लीकेशंस में, एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, तो क्या होता है सिलेंडर, द फोर्स ऑफ द पिस्टन टर्न्स द व्हील्स एंड मेक्स द व्हीकल मूव। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट रिलीज होती है किस बर्निंग में, पेट्रोल और डीजल की बर्निंग में जो हीट रिलीज होती है वो किस काम आती है, हमारे व्हीकल्स मूव करने में, यानी मुख्तलिफ जो गाड़ियां हमारी मूव होती हैं उसमें हीट रिलीज होती है तो ही प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है और हमारे व्हीकल्स जो है वो हमें रोड्स के ऊपर मूव करते हुए नजर आते हैं। द नेक्स्ट, हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशंस। थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है, ये हमारे की टर्म्स का हिस्सा था। तो थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है, थर्मल कहते हैं हरारत से, यानी हीट से,
बना हीट से जो बिजली, जिन ऐसे पावर स्टेशंस, पावर स्टेशन कहते हैं बिजली घर को, तो ऐसे बिजली घर जो हीट से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं इज यूज्ड इन जनरेटिंग, ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पर भी जो हीट प्रोड्यूस होती है किस तरह से होती है, बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो पावर स्टेशंस में बिजली बनाने के लिए हीट को जो है वो यूज किया जाता है, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की मरहूने मिन्नत है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी कीप्स अस वार्म एंड अलाइव। देखें, हमें खुद भी जिंदा रहने के लिए और हमारी बॉडी को वार्म रहने के लिए क्या होता है, हीट की जरूरत होती है। और हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान, यानी हम जो अपनी खुराक हजम करते हैं उस प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज होती है। उसके बाद है जी इग्निशन ऑफ डायनामाइट एंड गन पाउडर। अच्छा जी, इग्निशन ऑफ डायनामाइट, इग्निशन कहते हैं आग लग जाना, ठीक है जी, आग लगना, आतशगीर हो जाना, ठीक है, इसको हम कहते हैं इग्निशन। इग्निशन ऑफ डायनामाइट यानी डायनामाइट को, डायनामाइट क्या चीज होती है, डायनामाइट किसी ऐसे मादे को कहते हैं जो फट सकता हो, ठीक है जी, जो धमाका कर सकता हो, फट जाने वाला ऐसा मादा जो फट सकता हो। एंड गन पाउडर, गन पाउडर किसको हम कहते हैं, गन पाउडर हम कहते हैं बारूद को, ठीक है जी, गन पाउडर किसको कहते हैं, बारूद को, आपने सुना होगा ये लफ्ज बारूद जो है, ठीक है जी। आर आल्सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो ये भी बड़े हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है जी, एंड आर टर्म्ड एज एक्सप्लोइंस, और इनको हम नाम क्या दे देते हैं, एक्सप्लोइंस, धमाके। तो सच एक्सप्लोइंस आर यूज फॉर ब्लास्टिंग इन माइंस, ठीक है जी, वो जो हमने की टर्म्स में भी पढ़ा था, ब्लास्टिंग इन माइनिंग, हमने की टर्म में भी एंड पे देखा ना, हमारे की टर्म्स में ब्लास्टिंग इन माइनिंग, ठीक है जी। तो ये तो ब्लास्टिंग इन माइंस से मुराद, अच्छा माइंस क्या होती है, माइंस कहते हैं कान, जैसे आपने सुना होगा सोने की कान, ठीक है जी, और मतलब कोयले की कान, तो जहां से, यानी ऐसे ऐसी ऐसी जगह जहां से हम पहाड़ों के अंदर जाके तो काने बनी हुई, उन कानों से हम कोयला हासिल करते हैं, फिर उसके बाद सोने की काने होती हैं, अब पता नहीं मैंने तो नहीं देखी, तो होती हैं जी, डेफिनेटली होती हैं, तो बात की जाती है ना कि सोने की कान है जी। तो खैर, तो सच एक्सप्लोइंस आर यूज फॉर ब्लास्टिंग इन माइंस, तो ऐसे एक्सप्लोइंस कहाँ यूज होते हैं, माइंस में ब्लास्ट करने के लिए, ठीक है, वो ब्लास्ट करते हैं तो फिर और मटेरियल जो है वो निकालने का मौका मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमने देखे डेली लाइफ में। इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5.11 इन योर एक्सरसाइज एट पेज 77। हियर वी आर, 5.11, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो ये क्वेश्चन है जी आज का हमारा टारगेट, आज की हमारी डायरी, लेकिन इसकी हम हेडिंग्स बनाएंगे और आज रिटन फॉर्म में, चूंकि आप माशाल्लाह से 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और यू कैन डू इट, आपको मैं गाइड करूंगा, आप रिटन फॉर्म में इसको खुद से, पैटर्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम आज हेडिंग्स में सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक टॉपिक में से हम हेडिंग्स बना लेते हैं। तो सबसे ऊपर आप हेडिंग देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है जी, ये हेडिंग, मेन हेडिंग देने के बाद सबसे ऊपर आप देंगे, उसके बाद आप सब हेडिंग्स में लिखेंगे साइड पे, साइड पे आप लिखेंगे सबसे पहला सब हेडिंग आपका होम्स या एट होम्स, सिर्फ होम्स भी कर लें तो इट्स ओके, होम्स कर लें जी आप, होम्स, आप होम्स की हेडिंग देंगे और उसके बाद आप इसको मार्क कर लें, आप यहां से लिखेंगे फ्रॉम द सेकेंड लाइन, होम्स की हेडिंग दी और यहां से आप इसको शुरू करेंगे, द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल एट आवर होम्स इज यूज फॉर कुकिंग फूड टू वार्म आवर रूम्स। तो यहां तक आप लिख लेंगे फर्स्ट हेडिंग के नीचे, ओके जी, होम्स लिख के तो ये आप उस हेडिंग का मटेरियल लिख लेंगे। उसके बाद आप सेकंड जो हेडिंग देंगे, आप हेडिंग देंगे व्हीकल्स, ठीक है जी, क्या हेडिंग देंगे, व्हीकल्स, ये लिखा भी है व्हीकल, इसमें एंड पे बस आपने एस डालने जी, ठीक है जी, तो व्हीकल्स, तो व्हीकल्स की हेडिंग देने के बाद आप कहां से लिखेंगे, जहां ये खत्म किया वहां से आगे शुरू करेंगे
ठीक है जी। और इसको आप व्हीकल्स मूव तक कर लेंगे, थोड़ा लेंथी लग रहा है ना? नहीं, इतना लेंथी नहीं है, इट्स ओके। बात पूरी वाजिया भी तो करनी है अपने आंसर में। तो दो पॉइंट हो गए, दो हेडिंग हो गए हमारे। उसके बाद आप हेडिंग देंगे थर्मल पावर स्टेशंस, ये हेडिंग बना लेंगे आप बेटे, थर्मल पावर स्टेशंस। इसकी आप हेडिंग बनाएंगे और यहां से लिखेंगे हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशन इज यूज इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कितने हेडिंग हो गए जी आपके? नंबर वन हेडिंग होम्स, नंबर टू हेडिंग्स व्हीकल्स, नंबर थ्री हेडिंग आपकी थर्मल पावर स्टेशंस, और तीनों हेडिंग्स के हमने मटेरियल भी नोट डाउन कर लिए, ठीक है जी। उसके बाद आप हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग देंगे आप हेडिंग देंगे ब्लास्टिंग इन माइंस, ओके जी, ब्लास्टिंग इन माइंस। अच्छा, मेरे जेन में ना दो हेडिंग्स आ रहे हैं इससे रिलेटेड। एक हेडिंग ये आ रहा है कि हम हेडिंग बना लें एक्सप्लोजन्स, एक हेडिंग ये मेरे जेन में आ रहा है ब्लास्टिंग इन माइंस, ठीक है जी। अब आप देखें कि दोनों में से क्या हेडिंग रखें। ओके, लेट सी आप क्या सेलेक्ट करते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी इसको नाम दे दें इस हेडिंग को। ओके, जिसका दिल करता है एक्सप्लोइंस का हेडिंग देना, आप एक्सप्लोइन का हेडिंग दे दें। तो जिसका दिल करता है ब्लास्टिंग इन माइंस, तो वो ब्लास्टिंग इन माइन का हेडिंग दे दे। और लिखेंगे भला कितना आप यहां से इग्निशन से लेके एंड तक हम लिखेंगे इसको। ओके जी, तो हमने हेडिंग्स बना ली 1, 2, 3, 4, फोर हेडिंग्स के साथ हम इस अपने क्वेश्चन नंबर 5.11 को कंप्लीट कर लेंगे। और यही आपकी डायरी है, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 5.11। ओके जी, ये आपकी डायरी है, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 5.11 ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है ना, वो बेटे आप खुद से करेंगे, यू आर नॉट बेबीज नाउ। तो जो क्वेश्चन नंबर वन जो एमसीक्यूज का होता है, वो आप खुद से करेंगे। हाँ, मे बी नेक्स्ट लेसन में मैं वो मार्क किया हुआ आपको दिखा जरूर दूं कि आप मैच कर लें, या आपने खुद से कर ली है, लेकिन आप फिर भी आप एक दफा मैच कर लें। ओके, लेकिन आप खुद से करेंगे। तो इस अंदाज में अगर हम देखें, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। और आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग, जो रिटर्न काम आपको दिया जा रहा है, आप सिर्फ वही रिटर्न काम करें, नीट नोटबुक के ऊपर आप वही रिटर्न काम करें जो करवाया जा रहा है। जैसा कि मैं अगर आपको मजीद वाजह करूं, तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें या पिछले चैप्टर की हम बात करें, तो हमने सिर्फ एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन जो हैं वो राइट डाउन किए हैं, उससे हटके हमने कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल या कोई भी मटेरियल जो है, आई होप सो कि इस चैप्टर में तो स्पेशली कुछ भी ऐसा हमने नहीं किया। पिछले चैप्टर में आई आई थिंक के शुरू में कुछ डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको अलग से लिखवाई थी, अदरवाइज उसकी भी सिर्फ एक्सरसाइज ही हमने बाद में की थी। तो चैप्टर 5 की भी सिर्फ एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस हैं जो हमने किए हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया जी, आज की डायरी भी आपको पता चल गई, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 5.11, और चैप्टर हमारा हो गया है खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ भी मैं इंशाल्लाह आपको मैच करने के लिए जो है वो दिखा दूंगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।